आप तो ड्रामा मॉडलिंग इंडस्ट्री में आपका आना बनता था आप ये कहाँ बैडमिंटन में चली गई और धूप में खेल रही हैं और वो बैडमिंटन वो चिड़िया वाला ठप मेरे पापा हैं उन्होंने जूनियर लेवल तक बैडमिंटन खेला हम लोग तीन बहने हैं तो हम तीनों बहने पापा को देख के एक्सरसाइज करते थे जब हम भाई भाई दंगल एक... की फिल्म की स्टोरी तो नहीं <laughs> नहीं तो नहीं चल चल रही रही बहन ये वही है <laughs> गवर्नमेंट सत्ता पे एक अनाउंस हुआ था कि भाई गोल्ड किसी भी कैटेगरी में कोई लाएगा उसे एक करोड़ रुपया पाकिस्तानी हम देंगे आप चार दफा गोल्ड ला चुके हैं आपको चार करोड़ रुपए मिल चुके नहीं बिल्कुल भी नहीं गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने ना कॉन्टेक्ट किया और ना कोई प्राइज मनी दी उसके बावजूद भी जब हम लोग पाकिस्तान वापस आए हैं कुछ मिला तो नहीं कोई हमें एयरपोर्ट पे लेने तक नहीं आया आपने इमरान खान साहब की हुकूमत में भी आपने खेला है नवाज शरीफ साहब की जो हमारी पिछली गवर्नमेंट रह चुकी है तो जी गवर्नमेंट की तरफ से जो फेडरेशन को फंड्स थे वो मिलना बंद हो गए थे एक और भी डिसीजन आया था कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको ख़त्म करने का फैसला लिया गया था पाकिस्तान में तो इस तरह की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो टॉप प्लेयर है पीवी सिंधु वर्ल्ड रह है चुकी हैं तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट था था 50 करोड़ रुपीस का वो हुआ था। 50 इंडिया। जी। मैं हूं अली। स्पोर्ट्स की ये चैंपियन पर दिखने में लगती हूर। भाई क्या ही कमाल का बैडमिंटन खेलती है आप <laughs> कैसी, है? कैसी है मैं ठीक आप कैसे हैं अल्लाह का करम हूर और लंगूर <laughs> <laughs> देखिए जोड़ी बल गई है हूर लंगूर मुझे तो लोग लंगूर ही बोलते हैं तो माशाल्लाह आप जैसे गुड लुकिंग फेस पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को तो बहुत अच्छा लगता है सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक आप इतने सारे गोल्ड मेडल्स हैं बैडमिंटन में इतने सारे आपने पता नहीं सिल्वर और कौन कौन से अवार्ड रिवॉर्ड्स लेके आई हैं उसके लिए मैं पाकिस्तान की ब्याह से पे पितालियाँ बजाता हूँ आपके लिए भाई देखिए पाकिस्तान के हीरोज़ को ये रियल लाइफ हीरोज़ है रियल हीरोज़ को तो हम बुलाते हैं रियल लाइफ हीरोज़ को भी हमें बुलाना चाहिए तो कैसी हैं आप ठीक ठाक है खैरियत से हैं जी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक आप कैसे हैं फर्स्ट क्लास तो सबसे पहले मुझे ये बताइए माहूर कि आप जैसे मैंने बताया इतना गुड लुकिंग है सब चीज़ें तो आप तो ड्रामा और कोई इस तरीके की मॉडलिंग इंडस्ट्री में आपका आना बनता था आप ये कहाँ बैडमिंटन में चली गई और धूप में खेल रही हैं और वो बैडमिंटन वो चिड़िया वाला ठप ठप चिड़िया वाला गेम वो कहाँ से दिलचस्पी एकदम एक पैदा हो गई और वहाँ चली गई असल में जो मेरे पापा हैं उनको स्पोर्ट्स का बहुत शौक है और वो उन्होंने जूनियर लेवल तक बैडमिंटन खेला अच्छा। तो शुरू में तो हम पापा जब एक्सरसाइज रनिंग कर रहे होते तो हम लोग तीन बहनें हैं तो हम तीनों बहनें पापा को देख के एक्सरसाइज करते थे जब हम दंगल की फिल्म की स्टोरी तो नहीं चल रही बहन ये तो वही चल रही है अच्छा वो कुश्ती करते थे आप वो आपका कोई भाई नहीं है नहीं हमारा भाई दंगल चल रही है मेरे भाई तो हम लोग तीन बहन हैं तो पापा के साथ एक्सरसाइज़ करते थे फिर जब 11 इयर्स की मे हुई तो फिर पापा ने बैडमिंटन खिलाना शुरू किया तब मैं और मेरी बड़ी बहन ऐसे ही फॉर फन सिर्फ गलियों में बैडमिंटन खेलते थे फिर जब मैं 12 इयर्स की हुई तो पापा ने सनसेट क्लब में मेंबरशिप ली वहाँ में सुबह में पापा मुझे और मेरी बड़ी बहन को खिलाते थे शाम में जो कोच होते थे वहाँ पर सनसेट क्लब में उनसे हम कोचिंग लेते थे उसके बाद जब मैं थर्टीन ईयर्स में हुई

आपका पूरा नाम माहूर शहजाद है बाय द वे हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जब हम खेलते थे ये चिड़िया वाला गेम शटर वाला और कि ये इतनी बड़ी सतह पे खेला जाता है और इसको पूरी दुनिया में बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है इस गेम को अच्छा जब आप ये खेलती थी और वो जो चिड़िया फंस जाती थी कहीं पे तो क्या करती थी क्या दूसरी चिड़िया ले आती थी या वो निकालने की कोशिश करती थी जैसे हम लोग निकालने के लिए गिरते भी थे क्या क्या हो क्या होता था काफी बार ऐसा होता है कि जैसे क्लब क्लब या सनसेट में लाइट्स जो लगी तो हुई है है ना तो शटल जाके फंस जाती अगर ऊपर चली जाए तो वहाँ पे अगर अटक गई ना तो फिर वो नीचे नहीं आती तो फिर उसको या तो दूसरी शटल लेके उसे गिराने की कोशिश करते हैं हा, 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 हा। या फिर रहने देते हैं फिर नई शटल निकालनी पड़ती है तो ये शटल आपकी भी वही है जो बाहर मिलती है नॉर्मली या आप लोगों की कुछ महंगी वाली होती है या अलग से कुछ बनती है उसकी ये जो बाहर नॉर्मली जो लोग खेलते हैं ना वो प्लास्टिक शटल से खेलते हैं और हम लोग जो खेलते हैं वो फेदर शटल होती है और प्लास्टिक शटल नॉर्मली आपको हजार रुपए में उसका डब्बा मिल जाता होगा एक डब्बे में कितनी होती है एक डब्बे में बारह होती हैं सही है तो हम लोग जिस शटल से खेलते हैं नॉर्मली पाकिस्तानी के जो पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स है जिस शटल से खेलते हैं उसका जो बॉक्स है वो फोर थाउजेंड रुपीज काउजेंड और उसमें ट्वेल्व शटल्स होती है उसमें भी होती वो एक्सपेंसिव वो एक्सपेंसिव है फिर इससे भी जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं वो योनेक्स की शटल से होते हैं तो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव है उसका एक डब्बा ही कोई पंद्रह हज़ार रुपये का है ओ, हो, हो, और फिर उसमें भी डिफरेंट क्वालिटीज़ आती है ए एस थर्टी होती है ए एस फिफ्टी होती है और फिर डिफरेंट स्पीड्स भी होती हैं क्योंकि अब जैसे आ, कराची में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और अगर आप आ, कश्मीर की बात करें तो वो हाइट पे है तो वहाँ पे शटल की स्पीड की वेरिएशन होती है क्योंकि जब हाइट पे होती है तो शटल काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है तो फिर वहाँ पे उस लिहाज की स्पीड की शटल से खेला जाता है अच्छा जी बैडमिंटन में आप हैं माहूर शहजाद जी एक माशा उभरता हुआ सितारा खूबसूरत मतलब बॉलीवुड की हिरोइने भी पीछे हो गई हैं आपसे <laughs> आपकी वजह से और एक इंडिया में है सानिया मिर्ज़ा वो भी अपनी जमाने की भाई बहुत खूबसूरत खातून ठीक है अब तो भाभी हो गई हैं हमारी हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, है भाई शु मलिक की वजह से तो एक वो भी गुड लुकिंग खातून थी एक स्कॉश में आ जाएँ तो जहांगीर साहब वो भी अपने ज़माने के बड़े पहलवान आदमी तो ये तीनों एक ही कैटेगरी की एक ए, मतलब एक दूसरे के कज़न है ये तीनों गेम जी बिल्कुल बैडमिंटन और जो सानिया मिर्जा खेलती हैं वो, वो टेनिस, टेनिस है, है और जो जांगी वो तो वो स्कौश है, वो है जी तो तीनों स्पोर्ट्स को रैकेट स्पोर्ट्स कहा जाता है रैकेट है, स्पोर्ट्स हैं और वो स्कोश दीवार से जी एक दूसरे के साथ खेलते हैं टेनिस बॉल से खेली जाती है और बैडमिंटन इस तीनों में सबसे ज्यादा पैसा और डिमांड सबसे ज्यादा और अप्रिसिएशन कहाँ पे इन तीनों गेमों में अगर मुझे लगता है टेनिस में टेनिस, टेनिस में, में, में पैसा भी बहुत ज्यादा है और वहाँ पे प्लेयर्स को रिकॉग्नाइज भी बहुत किया जाता है जी कितना इनका जैसे क्रिकेटर्स की मैच फीस होती है इनकी भी यकीन मैच फीस होती होगी जी बिल्कुल और फिर उनका जो टूर्नामेंट का जो प्राइस मनी होता है ना वो काफी ज्यादा होता है अन्दा... मुझे तो इतना आइडिया नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से करोड़ों में होता है शायद करोड़ों में तो ऑफकोर्स होगा माहौल के लेकिन ये सानिया मिर्जा वगैरह जो मैच फीस एक लेती होंगी उनका अंदाजा आया तो नहीं उनका तो बिल्कुल आइडिया नहीं और आप लोगों का जो है अभी बैडमिंटन में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में तो इस तरह की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो टॉप प्लेयर है पीवी सिंधु और वो नवजोत सिंह सिद्धू नहीं पीवी पी वी सिंधु वो सिंधु है तो वो वर्ल्ड नंबर वन भी वर्ल्ड चैम्पियन रह चुकी हैं तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था लीनिंग एक बैडमिंटन का ब्रांड है तो उसके साथ फिफ्टी करोड़ रुपीज़ का वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 50 करोड़ रुपए इंडियन जी अल्लाह सर में दर्द हो गई यकीन करें बहुत इंडिया डेढ़ अरब पाकिस्तानी हो गए जी इंडिया बैडमिंटन में बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया हर चीज़ में स्ट्रॉन्ग है आप यकीन करें मैं लोग बोलते हैं ख़ास तौर पर इंडियन दोस्त मेरे के यार आप बड़े खिलाफ मैं खिलाफ नहीं हूँ मैं वो बात को गलत कहता हूँ जो बात हो मुझे मैं ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने वाला आदमी हूँ नहीं भाई मैं कोई आरनाब गोस्वामी नहीं हूँ जो पाकिस्तान की हमेशा नेगेटिविटी देखे मैं इंडिया की बहुत पॉजिटिविटी चीज़ों में ढूंढता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ ठीक है जी और सबसे ज़्यादा यूट्यूबर्स में इंडिया में मुझे पता है कि मुझे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया मेरी व्यूवरशिप के हिसाब से भी मैं सब कुछ मैं हर चीज़ को जानता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खिलाफ हूँ भाई ख़िलाफ़ नहीं हूँ अगर ख़िलाफ़ हैं तो होने दो तो तुम्हारे मुंह में हमारी ज़बान थोड़ी है राहत इंदूरी तो वहाँ पे तो है हर चीज़ का क्योंकि बात ऑफ़ ऑफकोर्स बहुत बड़ी मार्केट है और ग्रो कर रहे हैं दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं अल्लाह ताला हमें भी ग्रो करे एक बैड पैच अच्छा है इंशाल्लाह हम भी ग्रो करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है और देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट सतह पे एक अनाउंस हुआ था कि भाई गोल्ड किसी भी कैटेगरी में कोई लाएगा उसे एक करोड़ रुपया पाकिस्तानी हम देंगे सवाल यह है आप चार दफ़ा गोल्ड ला चुकी हैं आपको चार करोड़ रुपये मिल चुके नहीं बिल्कुल भी नहीं मैंने पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ 2019 में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लिया था फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज़ 2017 में पाकिस्तान के लिए गोल्ड लिया नेपाल इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था 2018 में उसमें गोल्ड मेडल लिया था तो किसी

जी बिल्कुल है और लास्ट ईयर जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो हमारा टीम इवेंट हुआ था श्रीलंका के साथ हुआ था ऑस्ट्रेलिया तो उसमें मैंने अपनी वुमेन सिंगल्स ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर थे उससे भी जीती श्रीलंकन प्लेयर उससे भी जीती और मेरी जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के साथ जो वीडियो थी मैच की क्लिप थी वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी लेकिन उसके बावजूद भी जब हम लोग पाकिस्तान वापस आए हैं तो किसी ने हमें कुछ मिला तो नहीं कोई हमें एयरपोर्ट पर लेने तक नहीं आया तो अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से कोई अगर एयरपोर्ट पे रिसीव करने आता तो इससे इन मतलब प्लेयर्स जो थे उनकी हौसला अफजाई होती है बिल्कुल होती है और बहुत गलत बात है अभी भी मुझे एक कोई वीडियो बाइट किसी ने भेजी पता नहीं आई डोंट नो वो एक लड़का था वो एक अवार्ड लेके इंटर हो रहा है एयरपोर्ट कराची इंटरनेशनल में और वो किस कैटेगरी में क्या जीत के आया था लेकिन उसे किसी ने भी रिसीव नहीं किया उसकी फैमिली भी दूर खड़ी हुई थी फैमिली ने भी मैं तो समझ से बालाता रहे कम से कम उसकी फैमिली भी फूल वूल डाल देती मुझे इतना अफसोस हुआ कि यार ये पाकिस्तान के बाहर जाके वो लोग पाकिस्तान के लिए कर रहा है और यहाँ पे पाकिस्तानी ऑफ पा, ऑफकोर्स पाकिस्तान तो नहीं पाकिस्तानी ये हरकतें कर रहा है जो इन चीज़ों के करता धरता है जी। गलत बात है बिल्कुल गलत बात है अच्छा मुझे ये बताइए कोई भी इनाम अभी तक नहीं मिला किसी किस्म का गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई नहीं मिला इसके अलावा

क्रिकेट में जब एक सामने आपके कॉम्पिटिटर होता है तो आप उसे स्लैजिंग कर दे आगे बोलते हैं कुछ भी वो आउट भी हो जाता है इससे स्लैजिंग एक अलाव है तो क्या आप जब बैडमिंटन खेलती हैं और आप भी एक हाथ दे दी भरपूर पाकिस्तानी स्टाइल में कोई अब्यूजिव हो गई कोई आगे से कुछ उसको चिढ़ा दिया जिससे वो हिल गया उसने शटल की जगह आपको देखा और शटल की गई नीचे नहीं बैडमिंटन में एक रूल है कि आप एक तो जब रैली चल रही होती है तो आप कुछ भी नहीं कह सकते और दूसरा ये है कि जब आपने योग भी करना है ना तो आप अपने ओपोनेंट की नज़रों में करके कर नहीं योग कर सकते अगर आपने क्या अपने आप को यू मतलब यू करना है बकअप करना है अपने आप को यस यार जीत गया ये तो ठीक है तो वो, वो भी आपने अपनी नज़रें कहीं और रखनी है अपनी ओपोनेंट की तरफ नहीं आपने देख के करना ये होता है ना जी वरना आपको फाइन हो जाएगा या रियलो कार्ड आपको दिखा देंगे तो वार्निंग मिल जाएगी तो बाकी हमारे नेशनल लेवल पे तो क्योंकि एस सच इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टली मैचेस को नहीं किया जाता एम्पायरिंग नहीं की जाती तो उधर कर देते हैं प्लेयर्स अच्छा लेकिन ये आप कभी हीट ऑफ़ द मोमेंट गुस्सा हो गई हूँ पसीने में और भाग रहे हैं और वो कर रहे हैं हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है ना कभी किसी पर गुस्सा आ गया और कुछ बुरा भला कह दिया हो कोई ऐसा अपॉइंटमेंट याद है आ, नहीं क्योंकि जब मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया था और बड़ी शुरू की बात है तो जब मुझे गुस्सा आता था, था कोई भी पॉइंट मिस हो गया तो मैं रैकेट जो ना ये अपने पैर पे मारती थी तो फिर पापा ने मना किया कि ये बिल्कुल गलत बात और इस तरह नहीं करना चाहिए आप जितना गुस्से में खेलते हैं उतना पॉइंट लूज़ किए जाते हैं अच्छा। तो आपने बड़ा काम हो के खेलना है ताकि आप एक तो अपने पॉइंट्स को लूज़ ना होने दें और दूसरा ये कि अगर वो ओपोनेंट देख लेता कि आप इस तरह के हरकतें कर रहे हैं और आपका टेंपर लूज़ हो गया तो वो आपको और तंग करने की कोशिश करेगा और इस तरह की जिस चीज़ से आप तंग हो रहे होंगे अगर वो रेस्ट ले रहे आप उससे तंग हो रहे हैं तो वो और वो उस तरह की चीज़ें करना शुरू करेगा तो इसलिए आपने हमेशा काम एंड कूल होकर ना मैच खेलना है तो फिर इसलिए जब से मैं अब टूर्नामेंट्स में जब भी होता है इवन तो बहुत गु़स्सा भी आ रहा था किसी कुछ ऐसे होते हैं जैसे जूनियर्स के साथ आप खेल हो तो बहुत ज़्यादा जो है ना हाइपर हो वो चीखे मारते हैं हालांकि वो हार रहे होते हैं लेकिन वो बस ना अपने आप को या बकअप या करने के लिए कि हम मुझसे पॉइंट ले लें माहौश से पॉइंट ले लें तो बहुत ज़्यादा चीखे मार होता है लेकिन फिर यही अपने आप को कंट्रोल काम एंड कूल करके खेलती हूँ मैं काम एंड कूल करके खेलना अच्छा कभी ऐसा हुआ कि आप को तकलीफ हो रही है कुछ जिसम में तकलीफ हो रही है और आप रुकवाना चाह रही हैं तो आप एक सेकेंड रुक जाए कुछ आप ऐसा लॉ है या मैच के दौरान आप रोक नहीं सकती? नहीं अगर है कि बहुत लंबी रैली चढ़ी हुई है और आपको सांस बहुत ज़्यादा चढ़ गया हो और आपने गया। पानी पीना हो तो आप कह सकते हैं एम्पायर को कि आप आप पानी पी सकते हैं टॉवल ब्रेक भी ले सकते हैं इस सही, तरह अच्छा जी शोबिज में शोबिज में तो नहीं है सच लेकिन जब मैंने खेलना शुरू किया था तो वो शुरू में किसी ने कहा था कि आप जो ना ड्रामो की तरफ आए तो फिर मैंने उनको मना कर दिया था कि नहीं क्योंकि हमारा फैमिली का माहौल ऐसा नहीं और शुरू से पापा ने किया है कि स्पोर्ट्स में पाकिस्तान के लिए आ, मेडल्स लेने हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करना है तो बस शुरू से उसी कोशिश में लगे हुए हैं अच्छा जैसे अभी आपने मेकअप भी किया हुआ यकीन लशकारा भी लगाया हुआ है वो क्या कहते हैं पता नहीं मस्कारा मस्कारा और ये लिपस्टिक भी लगाई हुई है तो ड्यूरिंग मैच तो मेकअप तो नहीं करती होंगी आप नहीं बिल्कुल नहीं, भी, भी नहीं बिल्कुल भी नहीं कुछ भी नहीं अलाउ नहीं है नहीं भी नहीं आप कर सकते आपकी वैसी इतनी मतलब स्वेटिंग हो रही होती है तो फिर वो तो आप जो भी पसीना है और बुरा हो है ना लिपस्टिक यहाँ चढ़ गई वो और बुरा लगता है और फिर मेरे ख्याल से गेम के कुछ अपने भी एथिक्स होते हैं तो जब आप गेम करने जा रहे हैं मैचेस खेलने जा रहे हैं तो उसमें आपको उस लिहाज से तैयार होकर जाना चाहिए अभी जैसे मेरी रिसेंटली शादी हुई है तो काफी लोगों ने बहुत मुबारक हो बहुत मुबारक थैंक यू तो काफी लोगों ने बोला कि मतलब अब तो, तो तुम्हारी शादी हो गई है तो कोई लिपस्टिक लगानी चाहिए मैच खेलते वक्त ताकि पता चले शादी लगो तो मतलब मुझे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि मैच का एक अपना डेकरम होता है और उस डेकरम को फॉलो करना चाहिए मेरे लिहाज करना चाहिए बिल्कुल और क्रिकेट को फॉलो करती नहीं क्रिकेट में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल नहीं है नहीं नहीं अच्छा क्रिकेटर्स क्रिकेटर्स में जब क्रिकेट ही नहीं देखती तो क्रिकेटर्स का काम किन से को से जानती में जैसे कि शादाब खान को अच्छा और शाहिद अफरीदी के जो अभी जिनकी उनकी बेटी से शादी हुई मतलब शाहिद अफरीदी को भी जानती है आप शा, 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 शाह दमाद है हाँ, अच्छा, बाबर आजम का नाम नहीं आजम बाजम बाबर आजम हाँ, तो कैप्टन रह चुके हैं बाबर आजम कैप्टन भी है बाबर आजम हमारे सबके कैप्टन है जी। बाबर आजम किंग है इस टाइम और अल्लाह आपका और किसका नाम इंजबाम हक जी हक जी ये तो कहा पुरानी प्लेयर पुरानी है जी जी पुरानी लॉर्ड है लेकिन हम जी इनके नाम अब ब्रिंगिंग हमारी इनसे हुई है शाहिद अफरीदी साहब और ये अब्दुल रज़ाक अब्दुलर हक और ये मिसबा और ये मोहम्मद हफीज और ये सारी लॉर्ड जो है ना शिमले ये ऐसा ही है ऐसा ही है अच्छा आपका बिसाइड्स बैडमिंटन आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है भाई इसके अलावा यार ये वाला स्पोर्ट्स मेरा फेवरेट बैडमिंटन के अलावा जो अगर मेरे पास ऑप्शन होती कोई और स्पोर्ट खेलें ये तो बैडमिंटन मैं इसलिए खेली हूँ क्योंकि मेरे पापा ने इसमें डाला और फिर इसमें इंटरेस्ट बढ़ गया तो पापा ने फंसाया नहीं पापा ने नहीं पापा ने मतलब दे पापा ने फंसाया <laughs> नहीं मतलब पापा ने खिलाना शुरू किया और फिर जैसे आग शुरू आग में आपका भी तो इंटरेस्ट था ना इंटरेस्ट बाद में जाके आहिस्ता आहिस्ता जब आप जीते ना तो फिर डेवलप होते हैं जब शुरू में हम लोग बाकी बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते थे पिट्ठू खेल रहे थे और पापा कहते थे नहीं बैडमिंटन यहाँ ट्रेनिंग करनी है तो जाहिर सी बात है बहुत दिल करता था खेलने को तो लेकिन फिर आहिस्ता आता बैडमिंटन में जब जीते गए अचीवमेंट्स होती गई तो फिर वो आपका इंटरेस्ट खुद ही डेवलप हो जाता है पिट्ठू गर्म है एक और और कौन कौन से गेम खेले हम जब गली में। होता क्या है गलीबस्कॉच कहते हैं पेलदूज वो जो पत्थर फेंकते हैं हैं और एट तक बॉक्सेस होते उसमें जाना होता है करके अच्छा एक वो होता है एक ये तो खैर आप बहुत अच्छे बर्गर गेम मैं थोड़ा सा चीप पे जाऊंगा हाथी की सूंड करके हाथी की सूंड बना के यूं करके टच होता था और जिस पर टच होगा अब वो और हाथी जो बना है वो दोनों भागेंगे और बाकी सारे मिलके मारेंगे उन्हें और उन्होंने एक दायरे तक पहुंचना होता था जब तक दायरे तक नहीं पहुंचेंगे वो पिटेंगे दोनों और वो दोनों भाग रहे जो हाथी है और जिसने हाथी को हाथी ने जिसको हाथ लगाया वो दोनों अब भागेंगे तो ये हाथी की सूंड था फिर उसके बाद पिट्ठू गरम तो आपने बताया बर्फ पानी बर्फ पानी बर्फ पानी मुझे रिकॉल करिएगा जरा बर्फ पानी वो होता है कि जिसको भी इस बंदे ने हाथ लगा के बर्फ कह दिया तो वो भी फ्रीज हो जाता है फ्रीज। फिर जो बाकी लोग भाग रहे होते हैं उसको आके वापस से पानी करना होता है तो फिर मतलब वो भी भाग सकता है अच्छा 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 हाँ एक बर्फ पानी एक छुपन छुपाई थी छुपन याद, याद होगा आपको जी खो 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 याद कराए खो खो होते हैं कि इस तरह डिस्टेंस में खड़े होते हैं दो या जितने भी लोग हैं फिर आप खो करते हैं तो वो बंदा भागता है जो बीच में भाग रहे होते हैं उनको पकड़ना होता है फिर बीच थक्का दे के खो कहते हैं खो खो कहते हैं उससे अच्छा पता नहीं खो खो अच्छा खो खू मे खांसी जब आती है तो बंदा कहता है खो खू अच्छा एक है वो मारम पिट्टी एक वो आपने खेला है मारम पिट्टी वो नहीं खेला होगा आपने यकीन नहीं खेला होगा एक बॉल होती है रबड़ की अब बॉल जिसके हाथ में आएगी ना और सामने जो भी खड़ा होगा वो उसको धरेगा पटाक अब उसने उठाई मिसाल के तौर पर उसके सामने जो है वो उसको मारेगा पटाक ये मारम पिटी था ये हमारे टाइम का बड़ा फेवरेट गेम था, और हम लोग इस पर बड़ी ज़ाती दुश्मनियाँ हो जाती थी कि भाई आँख पे मार दी किसी को ना उसकी आँख सूझ गई अब वो ढूंढ रहा है कहाँ है नादिर कहाँ है बॉल उठा के वो मैं दूर कराऊँ वहीं से मार रहा है तुझे ही मारूंगा <laughs> उन्हें मेरी आग पे मारा तो वो बड़े अच्छे अच्छे गेम एक वो था लाल परी आना चुपके चुपके आना एक चाटा मार के पीछे मुड़ के तालियां बजाना याद है जी एक था डॉक्टर 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 हटा दे बाकी ये सारे ये भी ये भी थे अच्छा बहरहाल बचपन की कितनी अच्छी यादें जी बेहतरीन याद है हमारी वो नाइन्टीज के जो हम बच्चे थे वो आज के बच्चे में ये फर्क है कि हमारे अम्मा हमें मारती थी कि घर आओ आज की अम्मा मारती हैं घर से जाओ और बल्कि हालात भी ऐसे हो गए कि घर से जाने भी नहीं दिया जाता और बच्चे टेलीफोनिया में घुसे हुए हैं एक बीमारी हुई हुई है मोबाइल में घुसे हुए हैं सारा दिन क्या ख्याल है ये बच्चों में हो गया है कुछ ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है मैं मेरा एक कज़न है फसी वो लाहौर में रहता है दस ग्यारह साल के तो वो अब इतना लेजी हो गया उसको बस जो है ना गेम्स खेलने का शौक़ है वो बस कंप्यूटर पे अपने गेम्स खेलते रहता है और अगर उसको कहीं कहो कि आओ चलो पार्क में जाके कुछ खेलें तो वो नहीं जाता बिल्कुल भी नहीं जाता वो सारा दिन बस होता है स्कूल से आया तो मैं घर में बैठ के बस गेम्स खेलता रहूँ तो आजकल के जो बच्चे हैं ना उनको मोबाइल्स और कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन हो गया एडिक्शन हो गया इसको तो टेलीफोनिया कहता हूँ मैं इस बीमारी को और उनकी अगर स्क्रीन टाइम नोट की जाए तो बहुत ज़्यादा है और बच्चा मोबाइल मांगता है इसका बेहतरीन हल यही है कि वालदेन को मोबाइल यूज़ करना छोड़ना पड़ेगा या बहुत कम करना पड़ेगा बहालत मजबूरी क्योंकि आप यूज़ करेंगे और आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि बेटा नहीं यूज़ करना तो वो तो फिर बात बनेगी नहीं क्योंकि आपके कॉल और फेल में फ़र्क है बच्चा वो करता है जो आप कहते नहीं हो बच्चा वो करता है जो आप करते हो ये फ़र्क है क्या ख्याल है तो फिर क्या इन फ्यूचर बच्चे बच्चों का क्या इरादा क्या है माशाल्लाह नौ महीने हो गया अभी, अभी तो फिलहाल मेरा एम है कि मैं पाकिस्तान को पैरिस ओलम्पिक्स ट्वेंटी में रिप्रेजेंट करूं जो कि नेक्स्ट ईयर है तो बस उस बच्चे, बच्चे पसंद है आप जी बच्चे पसंद हैं लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा है कि मैंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने हैं मुझे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से भी स्कॉलरशिप मिली हुई है फॉर पेरिस ओलम्पिक्स ट्वेंटी तो इसके लिए मेरी कोशिश है कि इस साल और नेक्स्ट ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलूँ अच्छा कुकिंग के हवाले से कुछ दिलचस्पी <laughs> कुकिंग मुझे नहीं करना आती नहीं करनी क्योंकि शुरू से कभी टाइम ही नहीं मिला शुरू से लाइफ बहुत टफ रही है सुबह में ट्रेनिंग होती थी फिर स्कूल यूनिवर्स या जब स्कूल के दिन थे तो स्कूल होता था वरना यूनिवर्सिटी फिर जब वापस आती थी सो जाती थी फिर शाम में दोबारा से ट्रेनिंग होती थी फिर शाम में जब वापस आते थे तो वही होता था जो होमवर्क करके फिर सो जाना फिर अगले दिन से वही सुबह में ट्रेनिंग तो इस तरह कभी टाइम नहीं मिला कुकिंग सीखने का नहीं आपका इंटरेस्ट भी नहीं होगा ना हंड्रेड परसेंट जिसका इंटरेस्ट होता है वो तो किचन में जबरदस्ती घुसता हाँ बस शुरू से वो इंटरेस्ट सारा स्पोर्ट्स की तरफ ही था तो इसलिए वो इंटरेस्ट डेवलप भी नहीं हुआ कुकिंग अच्छा आपने इमरान खान साहब की हुकूमत में भी आपने खेला है जी हमने अब आप नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी खेल रही हैं और इनमें ज़्यादा सपोर्टिव गवर्नमेंट कौन सी थी मेरे मैं किसी गवर्नमेंट का स्पेसिफिकली नाम नहीं लूँगी लेकिन जो हमारी पिछली गवर्नमेंट रह चुकी है तो, जी तो उसमें जो है ना गवर्नमेंट की तरफ़ से जो फेडरेशन को फंड्स थे वो मिलना बंद हो गए थे और एक और भी डिसीजन आया था कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको ख़त्म करने का फ़ैसला लिया गया था तो और हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स के तो वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे मैं बाबडा की ग्रेड 18 की ऑफिसर हूँ कोई नेशनल बैंक को रिप्रेजेंट करता है कोई आर्मी की तरफ से खेलता है तो प्लेयर्स का जो इनकम का एक यही डिपार्टमेंट ज़रिया तो अगर उसको भी ख़त्म कर दे तो, तो प्लेयर्स कमाते कहाँ से और अपनी ट्रेनिंग पे फिर कहाँ से फ़ोकस करते कहाँ से लगाते तो मेरे ख्याल से वो एक काफ़ी गलत डिसीज़न था और अभी जैसे कि जब वो हमज़ा खान आए हैं वर्ल्ड जूनियर्स स्कॉस चैंपियन अभी बन के आया तो उसको शहबाज शरीफ ने एक करोड़ रुपया दिया जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है कि इस तरह प्लेयर्स भी इनकेज होते हैं और बाकी जो भी जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनको मोटिवेशन होती है कि हमने पाकिस्तान के लिए और ज्यादा से ज्यादा करना है बेशक गुस्सा ज़्यादा करती है, cool है। <laughs> गुस्सा उन्हीं बातों में आता है जिन पर आना चाहिए वरना तो कूल cool माइंडेड किन बातों पर मसला मसलन ये है कि अगर घर में कोई बहनों से कोई नहीं, तो <laughs> नहीं नहीं इस बातों पे नहीं गुस्सा करती जैसे कि अभी मेरी शादी हो गई है तो मैं ट्रेनिंग के लिए यहाँ कराची में होती हूँ तो जैसे बहने बार बार अगर तंग करती रहें तुम तो शादी के बाद भी इधर ही हो इधर ही हो तो कुछ अर्से तक तो मैं सहती हूँ लेकिन फिर जब होता है ना ज्यादा बातें सुनाने लग जाए तो फिर उस पर गुस्सा हो जाता है और हेल्दी और फिट का कोई राज कोई आप हमें भी बताना चाहेंगे चर्बी का पहाड़ बन चुके हैं हम बस यही है कि एक तो कहते हैं कि सेवेंटी परसेंट जो आपका वेट लॉस होता है वो आपकी डाइट कंट्रोल करने से होता है थर्टी परसेंट एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी ये नहीं हो पाएगी हमें खाना ही डाइट ही है और वो हम जो लोग वो है ना जो खाने के लिए जीते हैं हम उनमें से और हमें रात में ज़्यादा भूख लगती है हालांकि वो कहते हैं कि आपको नाश्ता सबसे अच्छा करना चाहिए कम खाना देखें से पता भी है तो आपको तो हम नही अमल नहीं कर रहे इस पे। तो अमल ही तो करना चाहिए वरना तब तक तो कुछ भी नहीं होगा यही बात है यार इस चीज में बहुत जबरदस्त मुझे मोटिवेशन चाहिए और ऐसी चीज चाहिए जो ड्रिल हो जाए और दिमाग में और इस पे इस्तकामत मिल जाए आप यकीन करें मैं ऋतिक रोशन बन के दिखा दूंगा <laughs> ऐसा ज़बरदस्त मैं डिसिप्लिन ले आऊंगा अपनी ज़िंदगी में मैंने देखा जब तक इंसान खुद नहीं कोई चीज़ करना चाहता ना तब तक चाहे लोग जितना भी बोलते रहें तो वो उस चीज़ पे इंसान नहीं अमल करता तो मैंने भी हालांकि मैं पहले ड्राइविंग सीख रही थी पाँच छः साल ड्राइविंग सीखती रही लेकिन फिर जब एक बार हुआ ना कि नहीं अब सीखनी है मैं लोगों पे डिपेंडेंट हो गई हूँ मुझे बहुत इंतजार करना पड़ता है ड्राइवर के आना या किसी बहन को लेकर आने में तो फिर शौक हुआ और फिर मैं दस दिन में गाड़ी सीख गई तो यही है कि जब तक इंसान की डिटर्मिनेशन नहीं हो किसी काम में तो वो तब तक काम नहीं होता पूरा अच्छा जी शौहर हस्बैंड के बारे में कुछ बताना चाहेंगी कि कैसे आपकी रिश्ता जी हुआ अरेंज मैरिज थी लव मैरिज थी क्या था कोई मैच में मुलाकात हुई आपकी आपके हस्बैंड से क्या था आ, ये था कि मैं कोयटा गई थी ट्वेंटी में टॉर्नामेंट इंड एक रैंकिंग टूर्नामेंट था उसके लिए और वो उस वक्त वहाँ पे पोस्टेड थे कोयटा में तो मैच देखने आए थे तो वहाँ पे उन्होंने देखा था और फिर उनको मतलब में पसंद आई तो फिर उन्होंने घर रिश्ता भेजा फिर घर वालों ने सारा देख के फिर हाँ की थी मैंने अल्लाह ताला आप लोगों को खुश वुरम रखे मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान से बाहर जब आप फैसिलिटीज़ देखती हैं इस गेम की इतनी फैसिलिटीज़ हैं तो कभी दिल में कोई जहन में कोई करोड़ हिस्से में ये आई कि यार वहाँ अप्लाई करती हूँ वहाँ से रिप्रेजेंट करूँगी उनको और ये जैसे दिल टूटता है ऐसे बहुत से प्लेयर्स जैसे क्रिकेट के प्लेयर्स जाके अब पाकिस्तान से बाहर खेल रहे हैं तो ऐसा कुछ है ऐसा आ, मतलब होता है दुख होता है जब हम जाते हैं ऑफर्स है? आई ऑफ़र्स का आ, मतलब आई हैं कुछ कंट्री से आई लेकिन बात यह है कि जब मैं बाहर जाती हूँ और फैसिलिटीज़ का भी दुख होता है लेकिन आ, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जब भी मैं अकेले टूर्नामेंट्स खेलने जाती हूँ जैसे नेपाल में गई 2018 में तो मतलब मुझे अपने मुल्क से रह के इतना डिप्रेसिंग फील और लोनली फील होता था कि मैं हर दिन रोई हूँ और फिर जब मैं डेनमार्क में गई थी टू में ट्रेनिंग कैम्प के लिए टू मंथ्स के लिए गई थी और थ्री वीक्स बाद मेरी वापस वापस हुई थी मैं पाकिस्तान आई थी काम के लिए तो उस वक्त जब मैं एयरपोर्ट पे आई हूँ लाहौर के एयरपोर्ट पे तो मुझे हुआ यार कि ये लोग कितने लकी हैं इनको एहसास नहीं है कि अपने मुल्क से दूर रहना कितना मुश्किल होता है और इंसान क्या फ़ील करता है क्योंकि मैंने वापस जाना था तो मुझे उस चीज़ का बहुत एहसास था तो इसलिए कभी भी अगर इन ऑफर्स आई भी हैं और इन अगर आएंगी भी फ्यूचर में तो मेरा कोई प्लान वाह बैडमिंटन सबसे ज़्यादा कहाँ कौन से मुल्क में इन्जॉय किया आपने बैडमिंटन ऑस्ट्रेलिया में गया कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में और एशियन uh, गेम्स 2018 जो कि इंडोनेशिया में थे तो वहाँ का क्राउड बड़ा सपोर्टिव होता है जब मैचेस चल रहे होते हैं तो क्राउड आपको काफ़ी ज़्यादा अप करता है ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया इंडोनेशिया इंडोनेशियन क्राउड बहुत सपोर्ट करता है अप करता है मैचेस के बीच में तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किए और सबसे मतलब जो इंसान सबसे ज़्यादा इंजॉय करता है वो तो अपने होम ग्राउंड में खेलने इन्जॉय करता है क्योंकि वो इन्वामेंट बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है आपको जो सपोर्ट मिलती है और जो जोश और जज्बा होता है वो आपको कहीं पे भी मुल्क में आप खेलने तो उतना नहीं मिलता जितने अपने मुल्क में खेलने से आपको जोश जज्बा मिलता है अच्छा खातन के हवाले से ये अमूमन ये चीज़ आई है मुशाहे में कि हरासमेंट और बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं खातान को जब थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ कुछ करती हैं बाहर निकलती हैं स्पोर्ट्स के शोबे में जाती हैं या कहीं पे भी जाती हैं तो आप इस चीज़ पे क्या कहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने इस तरह का कुछ फेस नहीं किया क्योंकि जब शुरू में मैं छोटी थी तो मामा जाती थी ट्रेनिंग पे साथ और नेशनल लेवल पे जो भी टूर्नामेंट्स हुए उसमें पापा साथ जाते थे इंटरनेशनली भी 2016 में जो मैंने टूर्नामेंट्स खेले 2017 में तो पापा साथ होते थे फिर जब उनको लगा कि मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ और चीज़ों को अपने ओन पे मैनेज कर सकती हूँ तो फिर उन्होंने मुझे अकेला भेजना शुरू किया और वो भी तब तक इंसान जब बड़ा हो जाता है तो उसको इतनी सेंस आ जाती है कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए जैसे अगर कभी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने गए तो यही होता था कि रात में दस बजे से पहले रूम में वापस आना है इन चीज़ों का हमेशा से ख्याल रखा तो फिर जब आप चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो फिर आप उन चीज़ों से मेरे ख्याल से बचे रहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल ऐसे ही है बचे रहते हैं और भावलपुर से भी आपका कोई ताल्लुक है जी बिल्कुल मेरी मामा जो हैं वो भावलपुर से हैं तो ईद छोटी ईद जब भी होती है तो हम उस भावलपुर जाते हैं ईद करने के लिए भावलपुर ए, ए, मेरे लिए ना बड़ा इम्पोर्टेंट और बल्कि मैं ये बोल भी चुका हूँ बिहाइंड कैमरा आज कैमरे पे भी बोल देता हूँ कि मेरी फेवरेट सिटीज में से एक सिटी है जो भावलपुर मुझे बहुत बहुत पसंद है कि क्राइम नहीं है वहाँ पे साफ़ सुथरे रोड हैं आबादी छोटी है पढ़े लिखे लोग हैं हिस्टोरिकल सिटी, है, है। सिटी है नूर महल है थोड़ा सा आगे जाए हट पंजनंद है फिर के वो महल भी है दरबार महल है किला ड्राइवर है ठीक है फिर उसके बाद उसको दर दलावर कहते हैं दरावर किला दरावर और बहुत कुछ है वहाँ पे क्लेम किया जाता है साहबा एक कराम की कबूर भी क्लेम की जाती हैं भाई वहाँ तक सहाबा इक्राम आए थे और बहुत कुछ है तो भावलपुर में भी घर है अपना जी मेरे जो मामू हैं बड़े मामू हैं तो वो ही रहते हैं तो फिर छोटी ईद में मामा के जितने भी भाई बहन है सारे वो भाभीपुर में जमा होते हैं फिर सब एक साथ ही ईद करते हैं अच्छा हीरो में बताएं तो फिल्म, क्योंकि शुरू से मैंने बताया कि रूटीन काफी टफ रही है चले, जितनी भी देखी होंगी इंडियन पाकिस्तानी से बताएं ना कौन पसंद है आपको आजकल मेरे ख्याल से जो ड्रामा चढ़ा है नीलम मुनीर वो अच्छी लगती हैं और इमरान अब्बास इमरान अब्बास अच्छा है नीलम मुनीर और इंडिया में <laughs> इंडिया में आमिर ख़ान सलमान खान और आ, आ, अभी वो जो एक रीसेंट एक्टर आए जिन्होंने एक फ़िल्म की थी जिसका नाम आर्मी के ऊपर ही की थी सनी देओल नहीं नहीं वो तो क्यारा जिनकी वाइफ है क्यारा अडवाणी जिनकी वाइफ है नहीं क्यारा अडवाणी तो अभी जिनकी शादी हुई है रिसेंटली सिद्धार्थ मल्होत्रा सिद्धार्थ तो कैथरीना कैफ का, का हस्बैंड है नहीं 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 सही बोल रही हैं आई थिंक हाँ ठीक है सिद्धार्थ ये उनके और क्यारा अडवाणी की शादी हुई हाँ, है तो जी अच्छा मैं समझ गया ठीक है बेस्ट ऑफ लक कहेंगे आपको और होपफुली अल्लाह ताला आपके मज़ीद जो आपके गेम्स हैं उसमें आपको कामयाबी दे और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ रहेगी और आपके गिले सारे बजाएँ अल्लाह ताला वो गिले भी दूर करेगा और लोगों को ये सोचने पर मजबूर करेगा इस पॉडकास्ट के बाद कि ये गिले दूर हो और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं फ़ाइनल अब इसके बाद क्या कर रही हैं आप अभी इसके बाद जैसे मैंने प्लान किया हुआ है कि यूरोप में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने हैं फिर आगे और आ रहे हैं क्योंकि मेरा ईम है कि मैं पाकिस्तान को इनशाला पैरिस ओलंपिक्स 2024 में रिप्रेजेंट करूं hmm. तो मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इस साल खेलूँ और फिर नेक्स्ट ईयर खेलूँ और फिर साथ में मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन से पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट भी चला इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में तो उसका लास्ट कोर्स रह गया है इस समय नई रोशनी के स्टूडेंट के सामने इतनी बड़ी ज़बरदस्त क्वालिफिकेशन और इतनी ज़बरदस्त डिग्री बेस्ट ऑफ लक थैंक यू और करते पॉडकास्ट का अख्ताम इस, इस दुआ इस यकीन और इस अपनेपन के साथ के अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा मुझे और माहूर शहजाद को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ